केन्द्र कर्मचारी खुशी खबर सप्तम वेतन कमिशन को सुपारिश अनुसार सरकार महंगा भत्ता वृद्धि करते केन्द्र सरकार कर्मचारी महंगा भत्ता 3% को वृद्धि कर पिछला भाव जानुरी 2022 लागू कर केन्द्रीय कर्मचारी आसंता मसर वेतन में महंगा भत्तार वर्धित अंश पाए चलित एप्रिल मासरे कर्मचारी शेष 3 मास बकया मिले महंगा भत्ता वृद्धि सरकार के खर्च पर 10,000 कोटी अतिरिक्त बोझ पकड़ देश में दरदाम वृद्धि हो पेट्रोल डीजेल दर बढ़िवार लगी मंगलवार देश में उभय पेट्रोल डीजेल लिटर पिछा 80 पैसा लेखाएं वृद्धि पाई 9 दिन 8 थर बढ़ला पेट्रोल डीजेल दर जहां विरोधी केन्द्र सरकार को कड़ा समालोचना करते दर वृद्धि को नहीं प्रधानमंत्री मोदी को टार्गेट करते कांग्रेस नेता राहुल गांधी राहुल कटाक्ष कर एक ट्वीट कर डेली टू डू लिस्ट जारी कर मोदी समालोचना कर प्रधानमंत्री मोदी प्रतिदिन काम कौन होगा दरकार से एक समालोचनामूलक ट्वीट कर राहुल से 5 पॉइंट मोदी को समालोचना करते लिखिं पेट्रोल डीजेल गैस दर के बढ़ाई लोकों खर्च पर चर्चा केमी रोकवि युववर्ग को रोजगार सृष्टि कर स्वप्न केमी देखी आज के सरकारी कंपनी को बिक्री करी कृषकों के दुर्बल करी ट्विट कर टार्गेट कर राहुल दर वृद्धि बेकारी और कृषि प्रसंग को नहीं बारंबार प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार को समालोचना कर राहुल गांधी एपरिक ट्वीट कर मत रखिंट राहुल हेले आज एक भिन्न ढंग से सरकार को घेरी राहुल जम्मू काश्मीर सुरक्षाकर्मी को बड़ सफलता श्रीनगर रैनावाना अंचल एनकाउंटर में 2 आतंकवादी निहत होते 2 आतंकवादी स्थानीय अंचल बोली जमापड़ दुहे अनेक हत्या घटन संपुक्त थे तेरे निहत 2 आतंकवादी रईस अहमद भट्ट पूर्व जड़े सांबादिक तदंतर जमापड़ से अनंतनाग वैली न्यूज सर्विस नामक एक वेब पोर्टाल खोली न्यूज पोर्टाल से संपादक एक प्रेस कार्ड मिली सूचना अनुसार रईस गत वर्ष अगस्त मस लश्कर तैयार आतंकी संगठन में सामिल होता रईस नाँ पूर्व 2 मामला था तेणु जम्मू काश्मीर पुलिस आतंकवादी तालिकार सी वर्ग में सामिल कर दिल्ली रोहिणी सेक्टर 16 में अभावनीय घटना ट्रेन में पड़े 4 जनों मृत्यु दमकल बाहन से मृतदेह उद्धार कर गतकाली ट्रेन में लोके फसी जाता बेले खबर मिलवा पर एनडीआरएफ टीम उद्धार कम जारी रखी वर्तमान यूरोपीय परिस्थिति आंतर्जातिक स्थिरता क्षेत्र में संदेह सृष्टि कर प्रधानमंत्री यह परिप्रेक्षी आंचलिक सहयोग रक्षा करने अधिक दरकार बिम्सटेक् शिखर सम्मेलन में अभिभाषण रखिंट प्रधानमंत्री 7 राष्ट्र को नहीं गठित यह बैठक को अध्यक्षता कर श्रीलंका बांग्लादेश भूटान भारत नेपाल श्रीलंका भाई 5 दक्षिण एशिया राष्ट्र म्यांमार और थाइलैंड भाई दक्षिण पूर्व एशियार 2 राष्ट्र यार सदस्य अच्छा शिखर सम्मेलन में उद्बोधन दे प्रधानमंत्री कहते बंगोपसगर को संजोग समृद्धि सुरक्षार सेतु कर समय आसी 1997 आम सम्मिलित हो हासिल कर लक्ष्य हासिल पर नुआ उद्दीपन काम करने को बिम्सटेक राष्ट्र को आह्वान दे मोदी तेरे यही शिखर सम्मेलन फलाफल बिम्सटेक इतिहास में स्वर्णिम अध्याय रचना कर प्रधानमंत्री सामना को आसला भारत बहु प्रतीक्षित हाइड्रोजन कार एक कार संसद जाए यात्रा करते केन्द्र सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी स्वच्छ इंधन में चलुवा एक कार समस्त दृष्टि आकर्षण कर टोयोटा कंपनी पायलट प्रोजेक्ट अधीन एक कार तैयारी उन्नत इंधन सेल जोगाई जमापड़े यादारा वायुमंडल प्रदूषण मुक्त हो पार यह भारत भविष्य बोली नितिन गडकरी पेट्रोल और डीजेल चालित कार द्वारा प्रदूषण होता बेले हाइड्रो फ्यूल सेल कार संपूर्ण प्रदूषण मुक्त बोली से कहते उन्नत सेल ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिश्रण विद्युत उत्पादन करता है द्वारा कार परिचालित होता है अनेपटे कार्टी परिवेश उपकूल कौन प्रदूषण कर हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई को भारतीय बजार में लॉन्च कर टोयोटा कंपनी यह शुभारंभ कर नितिन गडकरी लक्ष्मीपुर खेरी हिंसाकांड घटन आशीष मिश्रा जमीन खारज न कर उत्तर प्रदेश सरकार को भर्सना करते सुप्रीमकोर्ट आशीष मिश्रा जमीन को विरोध कर मृत कृषकों संपर्क पक्ष सुप्रीमकोर्ट एक आवेदन करोर्ट एक नोटिस जारी करते
मृत कृषकंक संपर्कियंक पक्षरु आईएनजीपी दुसान तुबे कहिसेंति मंत्री अजय मिश्रा प्रभावशाली गत वर्ष अक्टोबर 3 तारिख रे लखिमपुर खेरी रे एबोली घटना घटला ए घटना उपर नजर रखिबा को एक कमिटी गठन करा जेतला अन्यपटे आशीष मिश्रांक जमीन खारज पई करा जेतबा आवेदन रो विचार सुप्रीम कोर्ट एप्रिल 4 रे सुनानी करबा को निष्पत्ति नेछंति। जम्मू कश्मीर बारमुला जिला सोपोरे थिबा एक सीआरपीएफ कैंप पर को महिलांक बोमामाड़ महिला जनक बुर्खा पिंधिबा बेले बोमा फिंगुथिबार वीडियो कैमरा रे कहित होई छी। बोमा फिंगिबा पर सेठारु फेरार होई जायुथिबा सीसीटीवी रे देखिबा मिली छी। ए घटना रे किछि क्षयक्षति होइने संपर्क अंचल को घेराबंदी करी सर्च ऑपरेशन करछि पुलिस। महिलांक चिन्हट करबा पे अभियान आरंभ करछि पुलिस। सुरक्षाकर्मी को कैंप पहारे ए घटना को ने प्रश्न उठिछि। ভারতৰ পড়োশী দেশ শ্রীলঙ্কা এবে ভয়ংকৰ আৰ্থিক সংকটতে গতি কৰিছে। দেশৰ অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ দৰদাম বৃদ্ধি যোগ সাধাৰণ লোকে বহু অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছে। বাছ আৰু ট্ৰেইন সেৱা মধ্যে বাধাপ্ৰাপ্ত হৈছে। ৰোষেই গেছ যোগান কম হোৱাৰ লোকক গেছ পাই ঘণ্টা ঘণ্টা ধৰি দোকান আগৰে লম্বা লাইন দিব পাৰিছে। সেইদৰে চাউল ডালি তেল পাই মধ্যে লোকে বহু অসুবিধাৰ সামনা কৰিব পাৰিছে। দেশের অত্যাবশ্যকীয় মেডিসিন মিলুনথিবা লোকে অভিযোগ করেছেন। চলিত মাসের ছাত্রছাত্রীঙ্কো পরীক্ষা মধ্যে বাতিল করা যাইছে। স্কুলে পেপর ভলি সাধারণ জিনিসের অভাব মধ্যে দেখিবা মিলিছে। আসামর বিশ্বনাথ আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এক গণ্ডা। লোকঙ্কো আক্রমণ করিবাকো গণ্ডাটি গোড়াউথিবা বেলে ভয়রে গছ উপরে আশ্রয় নেইথিবা দেখিবা মিলিছে। রাজধানী দিল্লির প্রবল গ্রীষ্ম প্রবাহ জারি রয়েছে। সকাল 9টা পরে ঘর বাহারা অসম্ভব হয়ে পড়ছে। গরম পবন যোগ জনজীবন প্রভাবিত হয়েছে। লোকে গরম রক্ষা পাইব বিভিন্ন প্রকার থা পানীয় পিউথা দেখা মিলছে। পাপাগ বিভাগের সূচনা অনুসারে বিভিন্ন স্থানের 40 ডিগ্রি উপরে রয়েছে তাপমাত্রা। এভাবে গ্রীষ্ম প্রবাহ আসন্তা সপ্তাহ পর্যন্ত জারি রহব। দেশের করোনা সংক্রমণ ক্রমশ হ্রাস পাচ্ছে। গত 24 ঘণ্টা ভিতরে 1,233 জন নূয় সংক্রমিত চিহ্নট হয়েছেন। দেশের সক্রিয় আক্রান্তের সংখ্যা 14,704।